कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाने में आपको 3-3.5 घंटा लग जाएगा, तो इतना भारी बैग लेके मुश्किल होगा, वो भी पहाड़ों के रास्ते पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सोचा नहीं था ऐसा होगा। आज तो मैं ख़त्म भाई, मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊँगा। थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सबको स्वागत है फिर से और एक दिन और एक नया ब्लॉग में। अभी मैं हूँ मून डिस्ट्रिक्ट की एक गांव में, सुहास चांगले नाम से एक गांव है। मैं कल रात यहाँ पे आ गया, जगह नहीं मिल रहा था तो गांव की हेड को बोल के रहने के जगह मिला। मैं यहाँ पर इसी घर में मेरा टेंट लगा दिया। यहाँ पर मच्छर बहुत कटता था तो ये टेंट लगाने में सही हुआ, टेंट लगा के मैंने किया ताकि मच्छर ना काटे। तो यहाँ का गांव कुछ ऐसा है, देखो अभी यहाँ पर मेरा जूता सूखा दिया क्योंकि बहुत स्मेल कर रहा है, गंदा स्मेल। गांव कुछ ऐसा है, पहाड़ देखो सब जगह में, अंदर भी हो ऊपर भी गांव है। तो ब्रदर बुला ले मुझे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। What is this, bro? Bamboo. What is this? Oh, in the koya bamboo soda. This is boiled bamboo, right? Yeah. Okay, so boil करने के बाद अभी grind कर रहा है। कैसा है? और उनका kitchen, कुछ ऐसा है kitchen. Look. What is this? Dry bamboo. Yeah, dry bamboo. Okay. So this is dry bamboo. You can see. So you guys used to cook with this dry bamboo. Bok meat, beef meat. Yeah, okay, beef meat. So वो लोग meat के साथ वो मिलाते हैं। ये कुछ लोग kitchen कुछ ऐसा। Middle of the घर में ऐसा फायरवुड मिलेगा, वो कुछ ऐसा है। तो भैया मेरे लिए खाना बना रहा है, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा लॉन्गचिंग तक यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं। पता नहीं यार कैसे पहुँचूँगा 10 किलोमीटर इस पहाड़ के रास्ते में, डोंट नो हाउ टू रीच देयर। तो अभी मैं रेडी हो गया निकालने के लिए यहाँ से लॉन्गचिंग। यहाँ से लॉन्गचिंग 10 किलोमीटर है लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाने में आपको 3-3.5 घंटा लग जाएगा, तो गांव में ऐसे होते हैं। मोर देन 3 आवर्स, यस भैया बोले थे कि मोर देन 3 आवर्स लगेगा। तो इतना भारी बैग लेके चलना बहुत मुश्किल होगा, वो भी पहाड़ों के रास्ते पे। चलो देखते हैं क्या कर सकते, कोई गाड़ी है नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं जा रहा हूँ वो सिस्टर के घर में, जो जिन्होंने कल रात मुझे इस भैया के घर में लेके गया। तो मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो अभी उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। यह था वो दीदी का घर, लेकिन वो घर में नहीं है, खेती में गया हुआ है। हाँ, पेड़ी फील्ड में गया हुआ है। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये भैया कल उसके घर में रहता। थैंक यू भैया For your lovely hospitality. Thank you. अभी चलते हैं, वहाँ से गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, फिर भी चल के देखते हैं। तो मैं लॉन्गचिंग नहीं जा रहा हूँ, मैं एक दूसरा रास्ता ले लिया आपाई, वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर है, जाने में लगभग 3-3.5 घंटा लग जाएगा बोला है। तो धीरे धीरे करके मैं चल रहा हूँ, वहाँ से एक मून जाने का हाईवे आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पिकअप गाड़ी कुछ भी मिल जाएगा, वो अच्छा आसानी होगा। अब लॉन्चिंग जाने अवॉइड करो और अपाओ की तरफ निकल जाओ बोला है भैया ने। तो मैंने वही रास्ता चुना, अपाओ की तरफ जा रहा हूँ। जैसे लगभग 3-3.5 घंटा लग जाएगा मेरे हिसाब से, मेरा तो इतना बड़ा बैग है, इतना बड़ी है। तो मैं धीरे धीरे करके चलूँगा, और इतना धूप भी आ रहा है बहुत,
तो देखते हैं इस जंगल के रास्ते में ऐसे ही रास्ता है। मैंने गाड़ी वगैरह ढूंढने की बहुत कोशिश किया लेकिन इस गांव में गाड़ी है ही नहीं। गाड़ी है लेकिन वो जा चुका है, एक गाड़ी था वो जा चुका है, वो कोई बाइक वगैरह है नहीं। रास्ता भी इतना ख़राब है। अभी आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ इस 15-20 मिनट की वीडियो में मेरा पूरा दिन का जर्नी को, मैंने खुद एक्सप्लेन किया। इतना पता नहीं बोलो मुश्किल, कितना मुश्किलें झेलना पड़ता होगा। देयर इज़ नो हॉस्पिटल, देयर इज़ नो कार, देयर इज़ नो प्रॉपर रोड। ये देखो ये शॉप है जूम कल्टिवेशन, जूम कल्टिवेशन करने वाला पहाड़ में। ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा एक ब्रिज है, देखो ये गांव लोगों ने बनाया है ओडियन का ब्रिज। वो गांव है जिससे मैं कल रात को रात बिताया। हम लोग उधर का जैसे बिल्कुल नहीं है। अगर अभी यहाँ पर एक गांव होगा तो और एक बाहर में और एक गांव होगा जिसे 10 से 15 किलोमीटर दूर है। जाने में आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा ऐसा है। बहुत सुंदर है जगह, बहुत सुंदर है नागालैंड, बहुत जगह सुंदर है और यहाँ का लुक भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा लुक है, सब बातें करते हैं अच्छा अच्छा और बहुत सुंदर जगह है। और थोड़ा सा बस यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होना बाकी है, मैं यही बोलूँगा डेवलप तो होना बाकी है। अब लोग समझ नहीं पाओगे ये, और ये भैया ने भी ऐसे ही बोला कि ये हाईवे 702 है। हाईवे 702 ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना हाईवे 702, इसको हाईवे बोलते हो आप? नहीं। वेलकम टू स्वाब विलेज। तो यहाँ पर और एक पानी जा रहा है, नदी है इधर से होकर उधर, एक ब्रिज बनाया हुआ है इधर। और मैं चलते जा रहा हूँ पूरा पहाड़ों के बीच में, पता ही नहीं ऐसा रास्ता है। देखो मुझे डर है कि कोई जंगल का शेर वगैरह ना आ जाए। वैसे जाओ कैसे यार? सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। इतना धूप बहुत चल लिया यार, बहुत चल लिया। इतना बड़ा बैग नहीं उठा के चराई चरना यार, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मैंने सोचा कोई अच्छा वाला हाईवे होगा, कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाएगा, लेकिन नहीं। आज तो मैं ख़त्म भाई, मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊँगा। ऐसे हाँ, केला का पत्ता मिला, किसी ने काट के फेंक दिया था, तो उसको लेके मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ जंगल के बीच में। कोई भी नहीं है इधर ऐसा चारों तरफ, देखो रेस्ट कर लेते हैं यार। यहाँ से और 2 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे पानी गिर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस होके आराम से निकल जाएगा और 1 घंटा लग जाएगा ऐसे जाते। हाँ बहुत ठंडा पानी भी यहाँ से पिएगा आराम से, ठंडा पानी। भाई मैं मेन रोड पे पहुँच के गाड़ी भी मिल गया। अब लोग तो बोलना भूल गया कि मैं मेन रोड पे बस आया, उसके बाद मैं मामे से बात कर रहा था और गाड़ी आ गया, एक पिकअप आ गया। आप देखो मैं जा रहा हूँ, ये लोग सीधा मून तक जा रहे हैं, तो आज मैं मून तक जाऊँगा। अच्छा हुआ गाड़ी मिल गया पूरा फाइनली। मैं तो मेरा उम्मीद ही ख़त्म हो गया आज पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो पूरा 4.5 घंटे हाइकिंग करने के बाद मैं
मेन रूट पर पहुंचा हूं। 9 बजे से लेकर अभी टाइम हो रहा है, हाँ 1:30 बज रहा है अभी, तो 4:30 घंटा मैंने हाइकिंग करना पड़ा। अभी जा रहा हूँ मैं से रास्ते पर। अभी मैं हूँ अबुई पे पहुँच गया। ये भैया लोग, ये वो लोग तीनों, ये भैया भी है उधर भी, वो भी है, उन लोगों से आया। और मैं बहुत थक गया, सुबह से चलते चलते आ रहा था ना, तो बस थोड़ा सा खाना खा के आया। मैं एक रेडबुल ले लिया, रेडबुल बहुत यहाँ पर महंगा पड़ता है, 130 लिया है, थोड़ा छोटा सा एक बाजार में। ये क्या है मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, तो किंग चिली है। देखिए कुछ ऐसा है, स्प्राइट। अच्छा चलो पकड़ो, बाद में खाएगा। तो अभी फिर से चलते हैं, बड़े लोग असम से है, अच्छा हुआ असम का लोग मिल गया। रास्ता देखो, रास्ता यहाँ का घर देखो, जगह तो बहुत मास है। और पीछे गांव देखो, गांव जगह तो बहुत मास है, लेकिन पहाड़ी एरिया है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैगी खाएगा, बहुत भूख लग गया। उधर में जो रुका था वहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मेरे पास मैगी था कल, मैंने जो खरीदा तो वही है। चार खरीदा, एक वो ब्रदर की बेटी है ना, उसको दूर देके आया, और मेरे पास और एक मेरे पास दूध है अभी, तो एक वो खुल के खा लेता हूँ, बहुत भूख लग गया। फाइनली मैं मून पे पहुंच गया, अभी देखता हूँ कहाँ पर, वही पेट्रोल पंप वगैरह है तो वहाँ पे रुक जाओ, मैं वहाँ पे रुक जाएगा। ये है मून का कुछ बाज़ार, देख सकते हो इधर में सल्द बाज़ार लगा हुआ है, दुकान वगैरह। ये आपकी भाई मून पहुंच गया फाइनली, देखा लोगों को मून का नज़ारा कुछ नहीं बताऊँ टाउन का है। फाइनली पहुंच गया मैं मून पे, और ये भैया लोग ने मुझे दिया, थैंक यू भैया, भैया धन्यवाद, थैंक यू। और ये भैया है, थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। ये लोग है असम से, असम सुनारी से, वो लोग अभी सुनारी जा रहे हैं। वो लोग बोला कि सुबह 7 बजे से ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो अभी वो लोग यहाँ पर मून तक मुझे उतर दिया। मैं अभी एक पेट्रोल पम्प ढूंढने का उधर से लेफ्ट साइड में, तो भैया लोग। हाँ तो मेरा खाना हो गया, खाना मतलब राइस नहीं मिला, सिर्फ पूरी मिला है। और मैं इस पेट्रोल पंप पे आज रात बिताने वाला हूँ, यहाँ पे रात बिता के मैं कल सुबह लुंगवा के लिए निकल जाएगा। तो अभी मैं जरूर ऊपर टाउन की तरफ, यहाँ से 1 किलोमीटर है लुंगवा के लिए, एक सुमो टिकट बुक करना है, तो देखते हैं। भैया जी ने बोला है कि 300 रुपया लगेगा जाने में, देखते हैं जाके पूछते हैं। तो भाई लोग मैं आ गया अभी मून सिटी पे, अभी इस पेट्रोल पंप पे आज मेरा रात बिताने वाला हूँ, और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये भाई लोग है साथ में, ये लोग पेट्रोल पंप चलाते हैं, भाई लोग है कोई यूपी से कोई बिहार से। थैंक यू भैया जी, आज मैंने 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा पहाड़ी के रास्ते में, इतना मेरा भारी बैग लेकर आप लोग को देखा ही होगा, तो बहुत थक चुका हूँ मैं आज। तो फाइनली आज यहाँ तक पहुँच गया मून तक, और कल सुबह मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ लुंगवा के लिए। तो मैंने लुंगवा के लिए टिकट भी ले लिया, टिकट के लिए मैंने पे किया 220 रुपीज़। तो कल सुबह मिलते हैं, और एक वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।